Good evening, everyone. Am I audible and visible to all of you? Please confirm. Good evening, Ishi. Very good evening, beta. Good evening, Suman. Very good evening. Am I audible and visible? Please confirm. Okay, thank you so much, Ishi, for the confirmation, beta. Good evening, Deepshika. Very good evening. Thank you so much, Deepshika, for the confirmation. Okay. Good evening, Alok. Very good evening. Okay, guys, let's wait for another minute. Let other people also join the session. Okay, thank you so much, Kaushik, for the confirmation. Okay, so let's start today's session. So good evening, everyone. Welcome back to our channel, Rostam Legal. So today we are here on 21st of February 2023 in the class of judgment analysis. And today we are going to analyze the judgment of Union of India versus Rajendra N. Shah. So basically, ye jo judgment hai, ye bhi kahin na kahin constitutional amendment ko lekar hi hai. कल हमने 103rd अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक किया था जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है. ये जो कहीं ना कहीं आज का जो केस है ना वो बात कर रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, ठीक है ना. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ठीक है ना, और उसमें किसका अधिकार है, मतलब उनको रेगुलेट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी. तो कहीं ना कहीं जो अमेंडमेंट लाया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो 97th अमेंडमेंट था, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आया था. और वो ये चीजें बोल रहा था कि इसमें पावर किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है. तो इसको कहीं ना कहीं क्या करा गया था, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को क्वेश्चन किया गया और गुजरात हाई कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन भी कर दिया. तो उन्होंने बोला भाई 97th जो अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है और यहां पर आप पूरी पावर, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो पावर्स हैं वो आप उसका रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं दे सकते, ठीक है ना. तो अब फिर ये चीज कहीं ना कहीं चैलेंज हुई कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में. तो मैंने आपको ब्रीफिंग दी है. अभी स्टार्टिंग में हम सबसे पहली चीज ये समझेंगे सोसाइटीज क्या होती है, फिर कॉपरेटिव सोसाइटी क्या होती है और मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है. क्योंकि ये जो दो वर्ड है, कॉपरेटिव सोसाइटी और मल्टी लेवल कॉपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी, ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आई है केस में. इसलिए हम इनके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग लेंगे जिससे आपको ये कंफ्यूजन ना बने कि यार ये होता क्या है, कॉपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है, समझ में आ रही बात. तो उसकी अपन, उसके पीछे की जो लीगल रीजनिंग है ना वो समझेंगे, उसके बाद इस केस पर जंप करेंगे. सो गुड इवनिंग हर्ष, वेरी गुड इवनिंग. गुड इवनिंग संजीवनी. गुड इवनिंग जयती. वेरी गुड इवनिंग गाइस. सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. सो दिस केस वाज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बेंच ऑफ जस्टिस रोहिंटन पाली नरीमन साहब, जस्टिस के एम जोसेफ साहब एंड जस्टिस बी आर गवई साहब. तो ये थ्री जजेस बेंच थी जिसने इस केस को डिसाइड किया था. एंड फाइनली दिस केस वाज डिसाइडेड ऑन द 20th of July 2021. ये केस जो है वो 2021 का है. ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे ने कहीं ना कहीं मेरे को ये सजेस्ट किया था केस, और इस केस के लिए कहीं ना कहीं जो है मुझे भी लगा कि यार कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको मैंने मिस आउट कर दिया था. सो थैंक यू सो मच जिस बच्चे ने मुझे रिकमेंड किया था, मुझे याद नहीं है, ग्रुप ने एक बच्चे ने जो है इसमें सजेशन मुझे भेजा था, और डेफिनेटली उस सजेशन पर ही कहीं ना कहीं इस केस को डिस्कस कर रहे हैं. सर इफ पॉसिबल वी कैन डिस्कस डिमोनेटाइजेशन केस व्हेनेवर पॉसिबल. डेफिनेटली कविता, बिल्कुल आप मुझे सजेशन जो है व्हाट्सएप कर दीजिए एक बार केस का नाम, डेफिनेटली हम उसको डिस्कस करेंगे अगर मुझे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है. सर आप प्रोसीजरल लॉस के जजमेंट भी कवर करेंगे ना प्लीज. डेफिनेटली बेटा, सीआरपीसी के हम जो है कंटिन्यूसली केसेस कवर हो रहे हैं, सीपीसी के केसेस कवर हो रहे हैं, तो यही तो प्रोसीजर लॉज है यार. तो सीआरपीसी का भी लास्ट केस हमने जो डिस्कस किया था, लास्ट टू लास्ट केस जिसमें सेक्शन 378 क्वेश्चन में आया था, वो सारे प्रोसीजर लॉज के केसेस है. चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग अनदर मिनट लेट्स जंप ऑन द केस डायरेक्टली. तो केस क्या बोल रहा है, सबसे पहले बात करेंगे सोसाइटीज है क्या. तो एन एसोसिएशन ऑफ सेवरल इंडिविजुअल्स हु कंबाइन टुगेदर फॉर यूजुअली अचीविंग द पर्पस ऑफ एडवांसमेंट ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, म्यूजिक, कल्चर, रिलीजन, आर्ट, एजुकेशन एक्सेट्रा, इट विल बी डीम्ड एज अ सोसाइटी. तो सोसाइटी क्या है, कि जब कई सारे इंडिविजुअल्स को ये चीज लगती है कि भाई हमें मिलकर कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में हमें कहीं ना कहीं एडवांसमेंट की जरूरत है, समझ में आ रही बात. और डेफिनेटली यहां पर उनकी बात की जा रही है जो कहीं ना कहीं जो सोसाइटीज पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिन इंडिविजुअल पर, जिन मतलब एक तरीके से लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो लोग मिलकर, उस फील्ड के लोग मिलकर क्या करते हैं, सोसाइटी जो है बनाते हैं, ठीक है ना. तो उसको बेसिकली बोलते हैं अपन सोसाइटी. तो म्यूजिक, स्पोर्ट, कल्चर, रिलीजन, आर्ट, एजुकेशन, इन सारी चीजों की जो है सोसाइटी बनती है. फर्दर,
So in India, a society can be registered as a legal entity by the following procedure mentioned under the Societies Registration Act 1860. तो याद रखिएगा कि हमें कहीं ना कहीं इंडिया की अगर हम बात करें तो सोसाइटी को एज अ लीगल एंटिटी माना जाता है, और अगर अपन को इसको रजिस्टर करना है तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में कहीं ना कहीं रजिस्टर करना मैंडेट है। समझ में आनी बात, तभी उसको कहीं ना एज अ लीगल एंटिटी माना जाएगा और आप उसे सू भी कर सकते हो और वो भी किसी को सू कर सकती है, एज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन भी आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। समझ में आनी बात। चलिए, so which lays down certain procedure for the sake of society registration and operation. तो कहीं ना कहीं registration act जो है वो बात करता है societies के बारे में, society registration act जो है वो ये बताता है कि भाई क्या procedure होगा, society में कौन कौन से लोग होंगे, भाई director कौन हो, कितने members हो सकते हैं, क्या चीजें होंगी, उनके operations क्या होंगे, किस चीज के लिए काम करेगी, तो ये सारी चीजें कौन बताता है, society registration act. further, so this act was implemented with the purpose of augmenting the legal stipulations of society registration for the advancement of literature, fine arts, साइंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेयरनेस ऑफ बाउंटीफुल पर्पसेस। तो इनका बेसिकली बोलना यह था कि ये जो रजिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट लाया गया ना, वो यही लाया गया था कहीं ना कहीं इनको एक बड़े लेवल पर प्रमोट करना कि भाई जब इंडिविजुअल लोग कहीं ना कहीं मिलकर एक चीज बना रहे हैं तो उसकी उसका लीगल बेस क्या होगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं इन्होंने बोला कि भाई आप बिल्कुल इन चीजों के प्रमोशन के लिए, आप इन चीजों के अपलिफ्टमेंट के लिए, जैसे लिटरेचर हो गया, फाइन आर्ट हो गया, साइंस हो गया, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेयरनेस फॉर बाउंटीफुल पर्पसेस, तो इन सब चीजों के लिए क्या होता है, कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो सोसाइटी का। समझ में, बहुत सारी जगहों पर आपने उन्हें देखा होगा कि भाई सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फॉर्म्ड जनरली फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर्स एंड इट शुड बी लिमिटेड टू द एरिया, ज्यूरिसडिक्शन और द प्लेस वेयर ऑब्जेक्टिव्स आर कैरिंग ऑन एंड वेयर द मेंबर्स आर रिसाइडिंग। तो होता क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है कि भाई एक जगह की लोकेलिटी के लोग, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर एरिया के, एक पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन के, या जहां पर लोग रह रहे हैं, या पर्टिकुलर पर्पस जो है, जो ऑब्जेक्टिव है वहां पर वो काम किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स की बात कर लें, तो उस एरिया की अगर हम बात करें तो उस एरिया के लोग जो है, इंडिविजुअल जो है, मिलकर जब कोई एक ग्रुप बनाते हैं, जो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, एक उसको अपन बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना। तो इनका बोलना यह है कि एक पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है। फर्दर, इट कैन बी फॉर्म्ड एज हाउसिंग, क्रेडिट, एग्रो, डेयरी एंड मैनी मोर। तो बहुत सारी चीजों की कॉपरेटिव सोसाइटी बन सकती है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे जगहों पर देखा होगा कॉपरेटिव सोसाइटीज को। फर्दर, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटीज के। मैं क्यों ये वर्ड्स आपको डिफाइन कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये केस में आने वाले, ठीक है। तो मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटीज जो है, आर दोज कॉपरेटिव सोसाइटीज दैट कैन हैव ऑपरेशंस इन मल्टीपल स्टेट्स एंड आर रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल कॉपरेशन रजिस्ट्रार इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट रजिस्ट्रार। तो इनका बोलना यह है कि जब कोई भी कॉपरेटिव सोसाइटी एक स्टेट से ज्यादा में फंक्शन करती है, भाई उनका यूपी में भी है मान लो और एमपी में भी है, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो गया, वो हो गए मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी। मतलब अब उनको जो है स्टेट रजिस्ट्रार से जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, उनको किससे कराना पड़ेगा, सेंट्रल कॉपरेशन रजिस्ट्रार से। समझ में आ रही बात कि मतलब अगर कोई कॉपरेटिव सोसाइटी है वो मैंडेट है कहीं ना कहीं स्टेट रजिस्ट्रार के पास जाएगा, मतलब वो स्टेट लिस्ट के अंदर फॉल कर रहा है, स्टेट के अंदर उसकी पावर फॉल कर रही है। समझ में आ रही बात। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी की, तो वो कहीं ना कहीं यूनियन लिस्ट में चलाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो उसमें परमिशन आपको देगी। यही इसका मेन इशू बना था इस केस का। चलिए अब जंप करते हैं अपन फैक्ट्स पर, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये जितने भी पॉइंट जो मेन इसके स्टार इंग्रेडिएंट्स है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया यहां पर, ठीक है। अब जंप करते हैं फैक्ट्स पर। तो फैक्ट्स क्या बोल रहे हैं, अ कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स डीलिंग विद कॉपरेटिव्स वाज हेल्ड ऑन December 7, 2004 इन वेरियस स्टेट्स। तो कई सारे स्टेट्स में जो मिनिस्टर्स थे, ठीक है ना, उनकी कॉन्फ्रेंस हुई किसके साथ, कॉपरेटिव्स के साथ, जो कहीं ना कहीं सोसाइटीज के जो हेड्स थे उनके साथ इन्होंने मीटिंग करी 7 दिसंबर 2004, ठीक है ना, कई अलग अलग स्टेट्स में, टू एड्रेस द मेजर कंसर्न ऑफ वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कॉपरेटिव्स इन द कंट्री। तो कहीं ना कहीं इनकी वर्किंग को लेकर इन जो मेजर कंसर्न था कि भाई इनका फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं ऑटोनॉमस फंक्शनिंग होनी चाहिए इनकी, डेमोक्रेटिक कंट्रोल कैसे होगा, तो ये सारी चीजों के जो जो मेन टॉपिक थे इस पर कहीं ना कहीं एक मीटिंग रखी गई, किसने, मिनिस्टर्स ने, किसके साथ, कॉपरेटिव्स के साथ। फर्दर हुआ क्या, द कॉन्फ्रेंस रिजॉल्व टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर डेमोक्रेटिक ऑटोनॉमस फंक्शनिंग एंड टाइमली कंडक्ट ऑफ इलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉपरेटिव सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं जो वो मीटिंग हुई उसके बाद, जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद कहीं ना कहीं ये कंक्लूजन इन लोगों का निकला कि भाई कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को हमें अमेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना, जिससे कि क्या इंश्योर कर सके कि भाई डेमोक्रेटिक ऑटोनॉमस फंक्शनिंग ये चीजों को कहीं ना कहीं कॉपरेटिव सोसाइटीज के बेनिफिट के लिए इनको क्या किया जा सके, अमेंड किया जा सके। समझ में आ रही बात कि भाई इनकी जो एक तरीके से डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में किस तरीके से काम करेंगे। दूसरी चीज के भाई टाइमली इलेक्शंस जो है इनके बीच में कंडक्ट होने चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कि भाई वो सोसाइटी के प्रेसिडेंट है, ये सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, ये उस सोसाइटी के ट्रेजरर हैं, तो ये जो पोस्ट दी जाती है ये एक स्मूथ वर्किंग के लिए दी जाती है। समझ में आ रही बात। तो उसी से रिलेटेड जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस रखी गई। अब फर्दर, एज अ रिजल्ट
It was a precursor which finally led to the 97th amendment after the consultation by various states and ministries. So, कई सारे states इसमें part लिए थे और उनसे finally meeting करने के बाद, consult करने के बाद 97th amendment जो है उसको लेकर आया गया. The amendment made change to article 191C by the addition of the word cooperatives, societies. तो कहीं ना कहीं 91C में एक word और add किया गया जिसको अपन बोलते हैं cooperative society. ठीक है ना? And insertion of article 41B फॉर प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो कहीं ना कहीं एक आर्टिकल भी प्रमोट किया, वो किया गया 43B के नाम से कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रमोशन करना कहीं ना कहीं ये एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अ न्यू पार्ट 9B डीलिंग विद द कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय इंसर्टिंग आर्टिकल 243ZH 243ZT वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कहीं ना कहीं ये और आर्टिकल जो है एड ऑन किए गए इस अमेंडमेंट के बाद. तो आपको पता है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है वो कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के तहत होता है. समझ में आ रही बात? पार्लियामेंट के पास दो तरीके की पावर होती है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर होती है, दूसरी लेजिस्लेटिव पावर होती है. तो जब नॉर्मल कोई भी चेंजेस करने होते हैं, नॉर्मल कोई भी बिल पास करना होता है तो वो लेजिस्लेटिव पावर के तहत होता है. लेकिन जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात आती है तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के अंडर ही जो है उसको अपन अमेंड करते हैं, या उसको अपन कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को अमेंडिंग पावर भी बोलते हैं. तो याद रखिएगा कहीं पर भी ये वर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर तो इसका मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात हो रही है. लेकिन जब भी बात आती है लेजिस्लेटिव पावर तो वो क्या बोल रहा है कि नॉर्मल कोई भी एक्ट या बिल जो है पास करने की बात हो रही है. समझ में आ रही है बात? चलिए. सो मिस्टर राजेंद्र एन शाह जो कि बेसिकली यहां पर रिस्पॉन्डेंट है, हु इज एन एक्टिविस्ट एसोसिएटेड विद द एनजीओ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एनालिटिक कमेटी, इन सितंबर 2012 फाइल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिफोर द गुजरात हाईकोर्ट. तो गुजरात हाईकोर्ट के सामने इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक पिटीशन फाइल कर दी अगेंस्ट द अमेंडमेंट 97th अमेंडमेंट. ठीक है. सीकिंग क्वेश्चन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 एज अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो इन्होंने क्या बोला कि भैया ये बियॉन्ड द पावर है, तो जो पार्लियामेंट के पास जो पावर है उसके बियॉन्ड चला गया, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाकर ये चीजें कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन ये अथॉरिटी आपको नहीं देता करने की. समझ में आ रही? तो इन्होंने क्या बोला, ये अल्ट्रा वायरस है. कौन सी चीज जो आपने अमेंडमेंट किया है, क्लियर हो रहा है? तो ये इन्होंने कंटेंशन रिट पिटीशन फाइल कर दी गुजरात हाईकोर्ट. ऑन 22nd of April 2013 द बेंच ऑफ गुजरात हाईकोर्ट इज अलाउड इज रिट पिटीशन बाय डिक्लेयरिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 इंक्लूडिंग पार्ट 9B कंटेनिंग आर्टिकल 243ZH2ZT इज अल्ट्रा वायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर नॉट टेकिंग रिकोर्स टू आर्टिकल 368 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहां पर गुजरात हाईकोर्ट ने क्या करा, गुजरात हाईकोर्ट ने इनकी पिटीशन को अलाउ करा. उन्होंने बोला कि नहीं भाई बिल्कुल ये जो 97th अमेंडमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. क्यों? क्योंकि इन्होंने आर्टिकल 368 जो बात करता है, जो अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट की, वो आर्टिकल 368 के अंदर भी दी हुई है. तो उन्होंने बोला कि सेक्शन आर्टिकल 368 सब प्लस 2 को फॉलो ही नहीं किया गया, उसकी जो उससे परमिशन ली नहीं गई, उसकी चीजों को फॉलो अप नहीं किया गया है. तो कहीं से कहीं तक ये चीजें जस्टिफाइड नहीं है. और इन्होंने क्या करा कि जो 97th अमेंडमेंट था उसको क्या कर दिया, उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया. क्लियर हो रहा है? अब क्योंकि गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने इसको पास किया था, तो ये कहां चले गए, ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील कर दी फाइल. तो हाउएवर द जजमेंट डिड नॉट इंपैक्ट द अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 91C एंड 43B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने किसी भी तरीके से का जो जजमेंट था वो किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं किया उसने आर्टिकल 91C को, जिसमें कॉपरेटिव सोसाइटी वर्ड ऐड किया गया था. दूसरा 43B जो कहीं ना कहीं बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई थी कि आपको प्रमोशन करना है, तो दोनों चीजों को नहीं छेड़ा इन्होंने. इनका बोलना यह था कि जो पार्ट 9B आपने ऐड किया है जिसमें आर्टिकल 243ZH से लेकर ZT में, बेसिकली उन्होंने करा क्या था, इन्होंने इसमें, मैं आपको बता देता हूं कि इन आर्टिकल्स में इन्होंने ये पावर डाल दी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स, स्टेट की भी जितनी भी पावर्स हैं वो सारी किसको दे दी थी इन्होंने, इन्होंने सारी उठाकर दे दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो वो चीजें कहीं ना कहीं इन्होंने बोली कि भाई ये चीज जस्टिफाइड नहीं, आप ये चीजें नहीं कर सकते. तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया. यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई किया गया था. तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या होता है कि भाई कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, लेकिन अगर जो चीज अगेंस्ट है उसको अगर एक तरीके से अलग किया जा सकता है, कि मान लीजिए कि कोई चीज निकल कर आई यहां पर, जैसे इस केस का एग्जांपल ले लेते हैं कि इन्होंने 97th अमेंडमेंट लगा दिया, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी, दूसरी तरफ इन्होंने क्या करा 91C में कॉपरेटिव सोसाइटी वर्ड ऐड कर दिया, 43B में जो है प्रमोशन ऐड कर दिया. ठीक है ना? तो ये पूरा अमेंडमेंट था. लेकिन डॉक्टर ने सेवरेबिलिटी क्या बोलता है कि भाई ये जो चीज है पूरी अगेंस्ट में है, लेकिन जो चीज अगेंस्ट में है उसको अगर अलग किया जा सकता है तो उन चीजों को आप जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दीजिए, बाकी चीजों को बनाए रहने दीजिए. ये बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. समझ में आ रही बात? तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वहां पर आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी देखने को मिल जाएगा, या जो बेसिकली आर्टिकल 13 है उसमें सारी चीजें दी हुई है. तो यहां पर गुजरात हाईकोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगाकर जो चीजें सही थी उसको फॉलो कर दिया, उसको उन्होंने अलाउ कर दिया. बाकी चीजें जो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही थी उसको अलग किया जा सकता था, उन्होंने उसको अलग कर दिया. समझ में आ रही है ना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं. हाउएवर द जजमेंट डिड नॉट इंपैक्ट, ठीक है,
that the prayer for a stay of operation of Gujarat High Court judgment was also filed by the Union of India, which was rejected by the court. तो यहां पर कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन गुजरात हाईकोर्ट ने जो जजमेंट पास किया था उसके उसको स्टे करने के लिए भी इन्होंने एक एप्लीकेशन डाली जो कि रिजेक्ट कर दी थी गुजरात हाईकोर्ट ने. ठीक है, अब ये मैटर कहां पहुंचा एज अ रिजल्ट. एन अपील वॉज फाइल्ड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया इन द सुप्रीम कोर्ट एज इट वॉज एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ द गुजरात हाईकोर्ट. तो गुजरात हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट इन्होंने अपील कहां फाइल करी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. चलिए अब हुआ क्या, आप देख के इशू क्या निकल कर आया. इशू ये निकल कर आया कि वेदर द पार्ट 9B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन डिन्यूट स्टेट्स ऑफ देयर एक्सक्लूसिव पावर टू एनेक्ट लॉज टू डील विद द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो इनका बोलना ये था कि जो पार्ट 9B है जिसको कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया, अल्ट्रा वायर डिक्लेयर किया है गुजरात हाईकोर्ट ने, क्या वो स्टेट्स की जो पावर है, जो एक्सक्लूसिव पावर है कि कहीं ना कहीं स्टेट के पास अथॉरिटी है कि वो कॉपरेटिव सोसाइटी को डील करेगी, ठीक है ना, उसको मैनेज कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी. तो क्या जो 9B है जो अमेंडमेंट किया गया है पार्ट 9B के तौर पर, वो क्या इनकी ये पावर छीन रहा है. तो ये चीज क्वेश्चन रेज हुई किसके सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि यही चीज थी, इसी वजह से उन्होंने पार्ट 9B को क्या कर दिया था, अल्ट्रा वायर या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था. समझ आ रही बात. तो ये इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा. तो सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि क्या वाकई में ये चीज दिक्कत आई है, क्योंकि 19(1)(c) से सुप्रीम कोर्ट का कोई वास्ता नहीं था, क्योंकि वो इशू था ही नहीं. क्योंकि अभी एक बच्ची ने मेरे से पूछा था सर इशू कैसे फॉर्म करते हैं, तो इशू ये है कि भाई जो चीज काउंटरडिक्ट कर रही है, तो केवल पार्ट 9B और सेक्शन 2 आर्टिकल 243 ZH से लेके ZT तक जो है क्वेश्चन में आया था, बाकी दो चीजों को अलाउ कर दिया था गुजरात हाई कोर्ट ने. तो वो इशू नहीं बनी, वो केवल इतनी चीज इशू बनी कि भाई ये क्या स्टेट की पावर को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर नहीं कर रहा है तो फिर ये चीज कहीं ना कहीं वैलिड हो जाएगी, और अगर कर रहा है तो फिर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहेगी जैसे गुजरात हाईकोर्ट ने बोला. चलिए अब अपीलेंट ने यहां पर क्या आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा. ये केस उतना इजी नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि लिटरली बता रहा हूं कि इस केस को बनाने में, इस केस को पढ़ने में जो है मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, नो डाउट, और केसेस के कंपैरिजन में, ठीक है ना, इसलिए बहुत थोड़ा ध्यान से सुनना इस केस को. तो अपीलेंट ने यहां पर क्या बोला, द लर्न काउंसिल अपीयरिंग फॉर अपीलेंट आर्ग्यूड दैट 97th अमेंडमेंट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन अचीविंग वाइटल सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ विद रिगार्ड टू द फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया. तो कहीं ना कहीं जो लर्न काउंसिल थे, उन्होंने जो यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर आए, सॉलिसिटर जनरल बेसिकली आए थे यहां पर, उन्होंने ये चीज बोली कि भैया 97th अमेंडमेंट जो है ना वो कहीं ना कहीं एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी, ठीक है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी के भले के लिए किया जा रहा है ये, तो ये कोई गलत चीज नहीं है. विच इज अ सेक्टर दैट हैज गिवन अ मेजर बूस्ट टू द इकोनॉमी ऑफ नेशन. तो इनका बोलना ये है कि ये वो चीजें, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा बूस्ट करती है हमारी इकोनॉमी को, तो ऐसी चीजों पर हमें खास ध्यान देना चाहिए. जो 97th अमेंडमेंट है वो लाया ही इसलिए गया है कि जिससे कि उसकी जो जो फंक्शनिंग है ना वो बेटर हो पाए, ये चीज उन्होंने बोली. फर्दर पार्ट 9B हैज प्रोविजन विच आर इन टू सेपरेट पार्ट फॉर बोथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज वेल एज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो यहां पर उन्होंने ये चीज बोली कि जब पार्ट 9B की बात करते हैं तो यहां पर दो अलग अलग चीजें हैं. पहली है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक स्टेट में फंक्शन कर रही है, और दूसरी है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक से ज्यादा स्टेट में काम कर रही है. समझ में आ रही बात. फर्दर सो ऑल्दो देयर वर नो चैलेंज इन सो फार एज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर कंसर्न, द एंटायर पार्ट 9B has been struck down by the High Court, throwing out the baby with the bathwater. तो इनका बोलना यार ये था कि चलिए हमने मान लिया कि कहीं ना कहीं पार्ट बी क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है ना, और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आप यहां पर लगा सकते हो, और यहां पर जैसे आर्टिकल 19(1)(c) को अलाउ किया गया, वैसे ही इनका बोलना ये था कि हमने माना कि भाई जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका जो हमने पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया वो चीज जस्टिफाइड था कि भाई आपने मना कर दिया, लेकिन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो पावर वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो आपने उसको कैसे स्ट्रक डाउन कर दिया. ये चीज उन्होंने यहां पर कंटेंशन रेज करा कि भाई गुजरात हाईकोर्ट ने तो पूरा का पूरा पार्ट 9B उठाकर फ्लश आउट कर दिया. ये तो यही बात हो गई कि बच्चे के साथ साथ आपने जो बच्चे का जिस बाथटब में बच्चे का जो पानी नहा रहा था ना आपने उसको ही फेंक दिया, मतलब आपने पूरा चीजें उठाकर फेंक दी जबकि वो चीजें नहीं करनी थी. समझ में आ रही है बात. तो इनका बोलना यह है कि आपने बच्चे को भी उठाकर फेंक दिया जबकि पानी को फेंकना था. तो जो चीजें जो आपके काम की है वो तो निकाल लीजिए, जो चीजें सही है. तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगाने के लिए यहां पर बोला कि भाई उन चीजों को अलग अलग किया जा सकता है, इसलिए यहां पर इन्होंने बोला है कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है बहुत प्रॉपरली, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो वहां. अगली चीज उन्होंने क्या बोली, ही फर्दर आर्ग्यूड दैट 17 out of 28 स्टेट्स हैव इनएक्टेड लेजिस्लेटिव मेजर्स विच आर इन कंफर्मिटी विद द सेड अमेंडमेंट. तो इनका बोलना यह है कि भाई 28 में से 17 स्टेट्स जो है ना इंडिया के, उन्होंने कहीं ना कहीं इस जो लेजिस्लेटिव मेजर्स को कहीं ना कहीं इनेक्ट कर दिया. समझ में आ रही बात, अलाउ कर दिया अपने स्टेट में, विच आर इन कन्फर्मिटी विद द सेड अमेंडमेंट. तो जो चीज कहीं ना कहीं इस अमेंडमेंट के साथ ऑलरेडी कन्फर्मिटी थी उनकी, मतलब जो हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि भाई एक मीटिंग हुई थी, ठीक है ना, अलग अलग मिनिस्ट्रीज की स्टेट्स के साथ, तो वो चीज उन्होंने बोली कि ऑलरेडी ये जो स्टेट्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इसको ऑलरेडी इनेक्ट कर दिया है वो ऑलरेडी इसके साथ उसके फेवर में थे अमेंडमेंट होने से पहले,
ठीक है. सो नो स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑल्सो चैलेंज इट सो फार एज अ डिटेल कंसल्टेशन हैड ऑलरेडी टेक इन प्लेस बिफोर द अमेंडमेंट केम इन टू फोर्स. तो उन्होंने बोला सर अभी तक किसी भी स्टेट ने इसको क्वेश्चन नहीं किया है, क्योंकि क्योंकि ऑलरेडी अमेंडमेंट से पहले ही उनसे बातें हो चुकी थी, डिटेल में डिस्कशन हो चुका था, उनको सारी चीजें बताई जा चुकी थी, तो कोई भी क्वेश्चनिंग अभी तक रेज नहीं हुई है. तो फिर क्यों ये क्वेश्चनिंग रेज की जा रही है. फर्दर ही ऑल्सो सेड दैट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रीडिंग ऑफ पार्ट 9B वुड शो दैट नो एडिशनल लेजिस्लेटिव पावर हैज बीन बेस्टोर्ड टू द यूनियन विद रिस्पेक्ट टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड इट ऑल रेस्ट विद द डोमेन ऑफ स्टेट्स. तो इन्होंने ये चीज बोली कि सर आप एक बार सिंपल रीडिंग लीजिए पार्ट 9B की, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि यूनियन गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी स्पेशल पावर नहीं दी गई है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिगार्डिंग. ठीक है ना, इनका बोलना यह है कि सारी चीजें अभी भी किसके डोमेन में है, स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में है. तो कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन है ही नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस टाइप की जो है कंटेंशन रेज की जा रही है. फर्दर ये थे अपीलेंट्स के आर्ग्यूमेंट, क्योंकि होता क्या है कि जो बंदा अपने पेपर की बात करता है ना वो अपनी ही बात करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुआ क्या था. ठीक है ना, अब आगे देखते हैं रिस्पॉन्डेंट ने यहां पर क्या बोला. द लर्न काउंसिल अपीयरिंग फॉर रिस्पॉन्डेंट आर्ग्यूड विद रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट दैट डोनी ऑफ अ लिमिटेड अमेंडिंग पावर कैन नॉट डू इनडायरेक्टली वॉट इज नॉट परमिटेड टू डू डायरेक्टली. तो यहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज रिस्पॉन्डेंट ने यह बोली, जो राजे दैन शाह के आप पर जो हमारे काउंसिल साहब थे उन्होंने ये चीज बोली कि भाई साहब ये चीज बिल्कुल क्लियर बोली गई है कि जो चीज आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं, जो चीज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो चीज आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते. समझ में आ रही बात, कि कहीं ना कहीं जो अमेंडमेंट कर आपने एक सेंट्रल गवर्नमेंट को एक इनडायरेक्ट पावर दे दी है वो आप नहीं कर सकते यहां पर. ठीक है ना, जो आप ये दिखाने की कोशिश करो कि नहीं नहीं सबको स्टेट के पास है, लेकिन स्टेट के पास कैसे, आपने कहीं ना कहीं उसका कॉन्फर्मेशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेने को बोल दिया, तो कहीं ना कहीं आपने बाइंड कर दिया ना बंदे को कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए अप्रूव नहीं करेगी आपको तब तक आप उन चीजों को आप अप्लाई नहीं कर पाओगे. तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का जो एक इंडिपेंडेंट पावर था किसके ऊपर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर, वो तो आपने इनडायरेक्टली जो है उनसे छीन लिया. ये चीज इन्होंने यहां पर बोली. तो ही कैप्ड हिज पॉइंट एज अ पॉइंट ऑफ फैक्ट दैट पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड शो दैट द अनफेटर्ड पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बिफोर द 97 अमेंडमेंट हैज नाउ बीन फेटर्ड बाय द प्रोविजन ऑफ 9B. तो इनका बोलना यह था कि जो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट पावर थी स्टेट लेजिस्लेचर के पास, अब आपने अमेंडमेंट के बाद उसको कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी डाल दी है उसमें. समझ में आ रही बात, अब उनको कहीं ना कहीं उस चीज में वो उतनी इंडिपेंडेंस नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी. तो इन्होंने कहीं ना कहीं रियलिटी बताई कि इनडायरेक्टली आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट वहां पर दे दिया. फर्दर इन्होंने क्या बोला, इन सेवरल एस्पेक्ट्स सच एज द फिक्सेशन ऑफ मिनिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि भाई जैसे बोलेगा, मैं एग्जांपल भी दे रहा है कि बोले जो मिनिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर है ना वो भी कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, भाई पहले ऐसा नहीं होता था. द रिजर्वेशन पॉलिसी कंटेंड इन आर्टिकल 243ZJ. तो इन्होंने बोला कि भाई जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो भी कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है. द ड्यूरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड मेनी मोर. तो बोले यार आप ड्यूरेशन तक तो फिक्स कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि हमने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया. तो बोले जब कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप डायरेक्टर्स का नंबर डिसाइड कर रहे हो, उनका ड्यूरेशन फिक्स कर रहे हो, तो फिर बचा क्या है स्टेट गवर्नमेंट के पास. समझ में आ रही बात, तो उनका बोला ये फिर स्टेट लेजिस्लेचर के पास क्या बचा है यहां पर. तो ये चीज कहीं ना कहीं काउंसिल ने बोली. फर्दर क्या बोला इन्होंने, ही एडेड दैट 97th amendment has to be caused for want of ratification as impact the vital parts of Indian constitution, namely the federal structure and the distribution of legislative powers between the union and the state. तो यहां पर कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि सर 97th amendment को quash down करना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है कि ये federal structure को छेड़ रहा है. समझ में बात, कि federal structure क्या बोलता है कि भाई जो state की और union की जो powers हैं वो अलग अलग होंगी. समझ में बात, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है वहां पर क्या होता है, एक स्टेट की पावर अलग होती है और सेंट्रल की पावर अलग होती है. कहीं ना कहीं हम इंडिया को क्या बोलते हैं, क्वासी फेडरल स्टेट बोलते हैं. क्वासी फेडरल स्टेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई इंडिया इस यहां पर स्टेट और सेंट्रल इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात दोनों के बीच में क्योस की आती है, कॉन्ट्रडिक्शन की आती है, तो हमेशा किसको ओवरलैप कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है. जो कॉन्ट्रेंटलिस्ट जो है डिफाइन है वो चीजें कहीं ना कहीं हमें ये बताती है कि हम एक क्वासी फेडरल स्टेट में रह रहे हैं, हम प्योर फेडरल स्टेट में नहीं है. तो इनका बोलना ये है कि कहीं ना कहीं यहां पर जो है फेडरल स्ट्रक्चर जो है इस पॉइंट पर जो लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बात करता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग पावर है, वो कहीं से कहीं तक जो है अफेक्ट हो रही है. इसलिए इसका क्वेश्चन डाउन होना बहुत जरूरी है. समझ में आ रही बात. ही फर्दर आर्ग्यूड दैट इवन इफ 17 स्टेट्स हैव मेड लॉ इन फर्दरेंस विद 97 अमेंडमेंट, स्टिल इट लैक्स द नेसेसरी रेटिफिकेशन अंडर आर्टिकल 368(2). उन्होंने बोला हमने मान लिया 17 स्टेट्स ने क्या बोल दिया है कि भैया जो लॉ है वो सही है, उन्होंने रेटिफाई कर दिया, मान लीजिए. समझ में आ रही बात, उन्होंने बोल दिया है कि 17 स्टेट्स जो है हमारे फेवर में, मान लिया 17 है, हम करें 20 होते, इनका बोलना ये ठीक है. लेकिन जो कहीं ना कहीं नेसेसरी रेटिफिकेशन है आर्टिकल 368(2) के अंदर में, वो आपने फॉलो ही नहीं किया, उसको आपने फॉलोअप नहीं किया, तो फिर कैसे चीजें हम जो है प्रोसीजर के तहत मान लेंगे, चीजें वो तो अल्ट्रावायस हो गई.
आपकी बियॉन्ड द पावर चले गए आप, जो आपको पावर दी गई है, क्योंकि आपने आर्टिकल 368 जिसमें आपके पास अमेंडिंग पावर है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, आपने उसको ही फॉलोअप नहीं किया। सो इट फेल्स टू अचीव द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो इन्होंने बोला कि भाई आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को अचीव ही नहीं कर पाए, आप फेल हो गए उस चीज, समझ में आ रही है। तो ये थे उनके आर्ग्यूमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या बोला, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पर इस केस में डिसेंटिंग ओपिनियन आया था। तो एक जज जो है के एम जोसेफ साहब वो अलग बात कर रहे थे, और बाकी जो दो जजेस हैं रोहिंटन फाली नरीमन साहब और पी आर गवई साहब, दोनों ही जो है वो मेजोरिटी ओपिनियन में थे। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन एक बार देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट व्हेन इट कम्स टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी विद ऑब्जेक्ट नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट, द लेजिस्लेटिव पावर वुड बी दैट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया विच इज कंटेन्ड इन एंट्री 44 लिस्ट 1। इन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, जहां बात मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की आ रही है, जहां पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक से ज्यादा स्टेट में, तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर, ठीक है ना। इन्होंने बोला भाई एंट्री 44 लिस्ट 1 जो यूनियन लिस्ट है वो क्लियरली ये चीज बोल रही है कि इसमें किसका अथॉरिटी है, किसका पावर चलेगा, यहां लेजिस्लेटिव पावर चलेगा यूनियन गवर्नमेंट का, क्लियर है। आर्टिकल 243 ZR ऑफ पार्ट 9B मेक्स इट क्लियर दैट ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट विच अप्लाई टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वुड अप्लाई सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन दैट एनी रेफरेंस टू अ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, स्टेट एक्ट और स्टेट गवर्नमेंट शैल बी कंसीडर्ड एज अ रेफरेंस टू पार्लियामेंट सेंट्रल एक्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली। इन्होंने बोला कि भाई जो आर्टिकल 243 ZR जो है ना वो क्लियरली ये चीज बोल रहा है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर अगर कोई भी चीज कहीं पर भी लिखी हुई है कि इसका मॉडिफिकेशन कौन करेगा, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट करेगा या स्टेट एक्ट या स्टेट गवर्नमेंट करेगी, तो उसका मतलब ये माना जाएगा कि भैया वहां पर पार्लियामेंट सेंट्रल एक्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, समझ में आ रही बात। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि कहीं पर लिखा होता है जो कंसर्न अथॉरिटी या जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है यहां पर एक तरीके से आप ये मान के चलिए जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो क्या है, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात कर रही है और पार्लियामेंट की बात की जा रही है, यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही। इन्होंने क्लियर बोला कि भाई वहां पर ये चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। फर्दर द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज अ सब्जेक्ट मैटर विच बिलोंग्स टू एक्सक्लूसिवली टू द स्टेट लेजिस्लेचर टू लेजिस्लेट अपॉन, वेयर एज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्सक्लूसिवली सॉरी विद इन द केन ऑफ पार्लियामेंट। तो यहां पर इन्होंने ये चीज बोली कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि एक सब्जेक्ट मैटर है जो एक्सक्लूसिवली किसको, स्टेट लेजिस्लेचर को बिलोंग करता है कि उसके पास ये अथॉरिटी है, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सक्लूसिवली किसको जा रहा है, पार्लियामेंट के पास जा रहा है, समझ आ रही बात। दोनों की पावर उन्होंने अलग अलग बता दी। द फेडरल सुप्रीमेसी प्रिंसिपल विल नॉट अप्लाई एज लेड डाउन बाय द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट एज देयर इज नो ओवरलैप। तो उन्होंने बोला कि भाई फेडरल सुप्रीमेसी प्रिंसिपल यहां पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। और इनका बोलना यार ये है कि जो जजमेंट है वो किसी भी तरीके से ये चीज बोल रहा है कि कोई ओवरलैप यहां पर नहीं हो रहा है, दो अलग अलग चीजें हैं। ये क्यों बात करी जा रही है सुप्रीम कोर्ट, इसलिए बोल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट में सुप्रीम कोर्ट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को कहीं ना कहीं वैलिड करेगी यहां पर, क्यों, क्योंकि वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का, जिसको नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि इससे अच्छा एग्जांपल नहीं मिलेगा आपको। यही मैं आपसे बोलता हूं, बच्चे कई बार मेरे से कंटेंशन ये रेज करते हैं कि सर ये केसेस पढ़ने क्यों इंपॉर्टेंट है, ये केसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके जरिए आप प्रोविजन सीखते हो, बहुत सारे प्रोविजन आप सीखते हो कहीं ना कहीं। जैसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि यहां पर उसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज अगेंस्ट में, जैसे गुजरात हाईकोर्ट ने पूरे पार्ट 9B को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, उनका बोलना यह था कि भाई ये चीजें गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई दोनों चीजें अलग अलग बताई गई हैं पार्ट बी में, पार्ट 9B में, कि भाई जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी पावर्स यूनियन गवर्नमेंट के पास है, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, दोनों अलग अलग बात करती है, समझ में आ रही बात। तो इसमें किसी भी तरीके का कोई भी ओवरलैप नहीं है, ठीक है। तो आप सेवरेबिलिटी यहां पर लगा सकते हो, दोनों चीजों को अलग अलग कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि भाई सेंट्रल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई है, तो आप उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी लाइज विद द स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 246(3) रेड विद एंट्री 32 ऑफ द लिस्ट 2। और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि भैया जो एंट्री 32 लिस्ट 2 है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो भी लॉज है वो स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर ही बनाएगा। फर्दर द सुप्रीम कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व दैट there can be no doubt that our constitution has been described as quasi federal in that so far as the legislative power are concerned though there is a tilt in favor of central, theek hai, which serves the states given the federal supremacy principle outlined here and above। to inka bolna ye hai ki kyunki hum ek quasi federal state pe rehte hain, ye cheez humne abhi discuss kari thi, to hamara jo constitution hai wo kya hai, wo quasi federal hai, theek hai na। to inka bolna ye hai ki jab bhi baat legislative power ki aati hai to kahin na kahin ek jhukav, ek favor jo hai na central government ko milta hi milta hai, lekin yahan par kya hai, the state given the federal supremacy principle outlined here and above yet within their own sphere the state has have exclusive power to legislate on topic reserved exclusively to them। to inka bolna ye hai yahan par aisa kuch bhi nahi ho raha hai, although ye hota hai kyunki quasi federal state mein ek central government ko power zyada hoti hai, lekin yahan par kuch bhi nahi hai, state government jo hai wo puri supremacy ke sath hai yahan par, aur wo kahin na kahin
एक्सक्लूसिव राइट है उनका किसके ऊपर, कॉपरेटिव सोसाइटी के ऊपर। वो क्यों ये चीजें बार बार बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, वो इसलिए बोल रहा है कि भाई आप ये चीजें समझ लीजिए कि हम कॉजिबेटिव स्टेट में जरूर रह रहे हैं, ठीक है ना, हम उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहां पर वो चीजें लग नहीं रही है, यहां पर अलग से पावर दी हुई है। आर्टिकल 246 सब क्लॉज 3 क्लियर बोल रहा है कि स्टेट के पास जो है एक्सक्लूसिव पावर है कॉपरेटिव सोसाइटी को लेकर, तो उससे रिलेटेड लॉस कोई नहीं बना सकता, ठीक है। फर्दर द सुप्रीम कोर्ट हैज पॉइंटेड आउट हाउ आर्टिकल 243 ZI मेक्स इट क्लियर दैट अ स्टेट मे ऑनली मेक लॉज ऑन इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन एंड बाइंडिंग अप ऑफ अ सोसाइटी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। तो इनका बोलना यह है कि भाई जो चीज क्वेश्चन में आई है, जो चीज कहीं ना कहीं एन जो राजेंद्र एन शाह है उनके फेवर में जो पिटिशन जो उन्होंने फेवर में कर दी थी गुजरात हाईकोर्ट ने, बिल्कुल सही करी थी, क्योंकि आप अगर आर्टिकल 243 ZI को देखेंगे तो वो क्लियर बोल रहा है कि स्टेट के पास केवल क्या पावर बची हुई है, वो केवल क्या लॉज बना सकता है इनकॉर्पोरेशन के, रेगुलेट कर सकता है, वो बाइंडिंग अप कर सकता है सोसाइटी का, ठीक है ना, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। एंड द 97th अमेंडमेंट एक्ट विच इंसर्ट द चैप्टर डीलिंग विद कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज नॉट बीन सो रेटिफाइड बाय द स्टेट। तो इनका बोलना यह है कि स्टेट्स ने इस चैप्टर को कहीं ना कहीं जो डाला गया है उसको रेटिफाई नहीं किया अभी तक। तो ये चीजें इनका बोलना यह है कि भाई स्टेट्स को लेकर जो इशू है वो अभी भी एज इट इज है। तो आप जो पार्ट 9B की बात कर रहे हो, वो पार्ट 9B जो है वो प्रॉपर नहीं है अगर हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके लिए सब सही है, तो उनको हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी लगाकर हम उनको तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन इनको नहीं मूव कर पाएंगे। तो फाइनली हुआ क्या, फिर जो डिसेंटिंग ओपिनियन आया, डिसेंटिंग ओपिनियन में क्या था, मतलब आप डिसेंटिंग ओपिनियन किस तरीके से है कि इन्होंने ये चीज बोली थी कि भाई पूरा जो पार्ट 9B है वो कहीं ना कहीं अल्ट्रावाय, ठीक है ना। तो ये कौन बोल रहा था, जस्टिस के एम जोसेफ साहब बोल रहे थे, जबकि जो मेजोरिटी ओपिनियन है वो ये आया था कि भाई केवल मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी जो है वो वैलिड है, लेकिन जब बात आती है कॉपरेटिव सोसाइटी की तो उसमें इंटरफेरेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट का दिखाया जा रहा है वो जस्टिफाइड नहीं है, इसलिए केवल वो अल्ट्रावायर होगा, ठीक है। तो डिसेंडिंग ओपिनियन में क्या बोला के एम जोसेफ साहब ने, के एम जोसेफ वॉज इन कंप्लीट एग्रीमेंट विद द रेशियो डिसिडेंडी ऑफ द मेजोरिटी व्यू विद रिगार्ड टू द प्रोविजन रिलेटेड टू आर्टिकल 240 ZI टू आर्टिकल 243 ZQ एंड आर्टिकल 243 ZT those being ultra vires of for non compliance with regard to the provision of article 368 sub clause 2 of the indian constitution। to wo bilkul isse vary kar rahe the ki ha bhai bilkul sahi bol raha hu ki ye cheeze galat hai, but however he could not agree on the point of application of doctrine of severability। to wo doctrine of severability par allow nahi ho rahe the, wo agree nahi the, wo ye bol rahe the ki bhai yahan par doctrine of severability nahi lagega, to hum yahan par kisi bhi tarike se allow nahi kar sakte chahe baat multi state cooperative society hi kyun na ho, to hum usme allow nahi kar sakte। to yahan par pura part bhi jo hai na wo galat hai, pura part bhi jo hai wo अल्ट्रावायर है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इन्होंने क्या बोला यहां पर, ही कुड नॉट एग्री ऑन द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी दैट इट विल नॉट अप्लाई टू सस्टेन आर्टिकल 243 ZR एंड आर्टिकल 243 ZS टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑपरेटिंग इन द यूनियन टेरिटरीज एंड दैट इट वुड नॉट अप्लाई टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज कन्फाइंड टू द टेरिटरीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। तो इनका बोलना यह था कि भाई हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी अलाउ करने के मूड में नहीं है, तो हमारे हिसाब से पूरा 9B जो पार्ट है ना वो गलत है, चाहे वो कॉपरेटिव सोसाइटी का हो चाहे वो मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी को, समझ में आ रही बात। लेकिन जो बाकी जो जजेस थे नरीमन साहब और गवई साहब, उन्होंने बोला कि नहीं भाई हम यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेबिलिटी अप्लाई करेंगे और यहां पर जो है सर्वेबिलिटी के हिसाब से मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है या जो चीजें हैं प्रोविजन है वो जस्टिफाइड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो गुजरात हाईकोर्ट ने जो बोल दिया था कि पूरा पार्ट भी गलत है उसको फेवर कर रहे थे हमारे के एम जोसेफ साहब, जबकि जो और जो दो जजेस थे वो ये बोल रहे थे कि नहीं भाई हम जो कॉपरेटिव सोसाइटी है वो तो चलिए उसके लिए तो गलत कर रहे हो आप लोग, लेकिन मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी के लिए प्रोविजन जो है वो जस्टिफाइड है, ठीक है। सो फाइनली इन द जजमेंट में क्या बोला, द सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस आरएफ नरीमन साहब, जस्टिस के एम जोसेफ साहब एंड जस्टिस बीआर गवई साहब सेड दैट व्हेन अ सिटीजन ऑफ इंडिया चैलेंजेस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज बीइंग प्रोसीजरली इनफॉर्म इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू एग्जामिन सच चैलेंज ऑन मेरिट्स एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ नेशनल चार्टर ऑफ गवर्नेंस अफेक्टिंग पर्सन सिटीजन एंड इंस्टीट्यूशंस अलाइक। तो इनका बोलना ये है जब भी कोई भी एक सिटीजन इंडिया का कोई भी नागरिक चैलेंज करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एज बीइंग अ प्रोसीजरली इनफॉर्म कि उसका प्रोसीजर जो ऑप्ट किया गया ना वो जस्टिफाइड नहीं है, समझ में आ रही बात। तो कहीं ना कहीं ये ड्यूटी बनती है कोर्ट की, ये न्यायालय की कहीं ना कहीं ये ड्यूटी है कि वो उसको एग्जामिन करे और मेरिट्स पर चीजें कहीं ना कहीं डिसाइड करे, क्योंकि होता क्या है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बात आती है तो चाहे पर्सन हो चाहे सिटीजन हो चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो सब इक्वली अफेक्ट होते हैं, समझ में आ रही बात। इसलिए हमें कहीं ना कहीं प्रोसीजर को भी बहुत ही प्रॉपर रखना है। फर्दर द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन अ लैंडमार्क जजमेंट इन अ 2-1 मेजोरिटी टू कम टू द कंक्लूजन ऑफ क्वेश्चनिंग द रेमिनेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द 97th अमेंडमेंट 2011। तो इन्होंने केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो प्रोविजन है उसको इन्होंने क्या करा, क्वेश्चन डाउन किया, उन्होंने बोला कि नहीं भाई ये चीजें सही नहीं है तो हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर लगी थी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सो फाइनली इन द पॉइंट नंबर 3 इट अपहेल्ड दैट द 97th अमेंडमेंट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज
which are registered or deemed to be registered under any law related to cooperative societies in any state is inoperative as it lacks the ratification by half the state as per the Article 368 sub clause 2. तो इनका बोलना ये था कि भाई 97th अमेंडमेंट के अंडर जो कॉपरेटिव सोसाइटी जो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है ना, उनको क्या मान लिया जाएगा, वो इनऑपरेटिव हो जाएंगी क्योंकि इन्होंने आर्टिकल 368 सब क्लॉज 2 को फॉलो नहीं किया है। लेकिन जब बात आती है मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी की तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर वो रजिस्टर हुई है तो भी वो एज इट इज चलेंगी कि द कोर्ट हेल्ड दैट दे कैन ऑपरेट एज अ पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज रिगार्डिंग मल्टी स्टेट ऑपरेटिव सोसाइटी। उन्होंने बोला कि भाई पार्लियामेंट बिल्कुल उनके लिए लॉज बना सकती है क्योंकि एंट्री 44 लिस्ट 1 के अंदर वो डिफाइन है, तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस जो अमेंडमेंट है इसको जस्टिफाइड माना, लेकिन जो गुजरात हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं आर्टिकल 191C और 43B को अपहेल्ड किया था उसको उन्होंने भी अपहेल्ड किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो पूरे 9B को इन्होंने अल्ट्रा वायर डिक्लेयर किया था गुजरात हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको चेंज करके केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ही उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल अल्ट्रा वायर बताया, बाकी उन्होंने बोला कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में ये चीजें बिल्कुल जस्टिफाइड है, ठीक है ना। सो वी आर डन विद टुडे सेशन, आई होप आपको एक केस समझ आ गया होगा। And thank you so much guys for attending this session. I hope कि कोई भी issue नहीं होंगे, अगर किसी को कोई भी issue लग रहा है तो please आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं directly, ठीक है ना। So thank you so much everyone and see you tomorrow at 9 AM in the legal news analysis session. और एक चीज याद रखिएगा कि legal news analysis session से ही सब कुछ निकल कर आता है, सब कुछ लीगल न्यूज एनालिसिस सेशन से ही है। उसमें हम डेली के बेसिस पर चीजें जो है डिस्कस करते हैं, लगभग 5 पॉइंट हम डेली डिस्कस करते हैं आपके साथ, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं और आप एक टच में रहते हो, जो कहीं ना कहीं करंट लीगल न्यूज के बारे में बात करते हैं तो आप उसके टच में रहते हो, आपको पता चलता रहता है कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, क्योंकि लिटरली बता रहा हूं बहुत मेहनत लगती है इन केसेस को फ्रेम करने में और कोई जबरदस्ती नहीं है यार। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा तो प्लीज मुझे सजेस्ट करिए कि किस तरीके चीजों को फॉलोअप किया जाए, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को समझ में आए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और आपके लिए चीजें इजी हो जाएं, क्योंकि इन केसेस को नॉर्मली पढ़ना पॉसिबल नहीं है, ये मुझे पता है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग भी लिटरली बता रहा हूं बहुत मेहनत करते हैं तब जाकर इतना ब्रीफ में हम आपको बता पाते हैं, अदरवाइज आप अगर अकेले पढ़ने बैठोगे तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा आप लोगों के लिए, बहुत टाइम लगेगा। कर तो देखो सब लोग, हम लोग भी करते हैं इंसान ही है, लेकिन आपको टाइम बहुत लगेगा उन चीजों के लिए, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच कविता, थैंक यू सो मच एवरीवन, और कल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हम डिस्कस करेंगे, तो आप लोग मुझे सजेशंस भेज सकते हैं। तो जिस भी बच्चे को लग रहा है कि कोई केस जो है डिस्कस करना चाहिए तो बिल्कुल आप जो है मेरे साथ एक बार शेयर करिए उसको, अगर मुझे लगता है कि बिल्कुल शेयर करने वाला डिस्कस करने वाला है तो मैं करूंगा, या अगर वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है तो मैं आपको उसका जो है डॉक्यूमेंट जो है शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो।